नायब सैनी जी की सरकार से अपना समर्थन वापस लिया है। आज हरियाणा प्रदेश की सरकार जो मेजॉरिटी लेकर 2 महीने पहले आई थी उससे कम नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को या तो अपना बहुमत पेश करना चाहिए या इस्तीफा देना चाहिए। और वहीं दूसरी ओर पर हम आग्रह भी करेंगे और लिखित में भी मां महिम से आग्रह करेंगे। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा सरकार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस समय बीजेपी की सरकार अल्पमत में है, अगर सरकार को गिराया जाए तो हम सरकार गिराने में बाहर से समर्थन करेंगे। बता दें कि पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 3 विधायकों के समर्थन वापस लेने से प्रदेश की भाजपा सरकार अल्पमत में आ गई है। सीएम नायब सैनी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो उन्हें बहुमत पेश करना चाहिए। राज्यपाल से लिखित में आग्रह करेंगे कि 2 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं, 3 समर्थन वापस ले चुके हैं, सरकार के पास 5 विधायक कम हो चुके हैं। ऐसे में राज्यपाल सरकार को बहुमत परीक्षा पास करने को कहे। नेता प्रतिपक्ष को कहना चाहूंगा कि आज के गणित के हिसाब से कदम उठाए जाए तो हम चुनाव के दौरान ही सरकार को गिराने में सहयोग देने पर पूरी तरह से विचार करेंगे। उन्होंने कहा कि जजपा की टिकट पर चुनकर आए सभी विधायकों को व्हिप के अनुसार वोट देने होंगे। हमने 3 विधायकों को नोटिस जारी कर दिया है, अभी तक उनकी ओर से जवाब नहीं आया है। पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि पार्टी विरोधी गतिविधियों के रिकॉर्ड हमारे पास हैं, हमारे पास 3 विधायकों की वीडियो रिकॉर्डिंग पोस्टर्स हमारे पास है। मीडिया के छपने पर भी दुष्यंत चौटाला ने इन विधायकों का नाम नहीं बताया। उन्होंने कहा कि अभी कुछ हमारे पास भी रहने दो। बताया जा रहा है कि जोगीराम सिहाग, राम निवास और सूरज जाखेड़ा तथा देवेंद्र बाबली को नोटिस जारी किए गए हैं। दुष्यंत चौटाला ने आगे कहा कि लोकसभा चुनाव की वोटिंग से पहले हम 3 विधायकों पर कार्रवाई कर देंगे। नियम के अनुसार पहले विधायक को नोटिस जारी कर जवाब देना होता है। बता दें कि जिस तरीके से लगातार अब हरियाणा की सरकार पर गाज गिरती हुई नजर आ रही है, बीते दिनों रातों रात जिस तरीके से 3 विधायकों ने जो कहीं ना कहीं अपना समर्थन वापस ले लिया, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब गिरने के कगार पर आ गई है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट नाइन पॉलिटिकल बाइट के साथ। राजनीतिक सरगर्मियों को देखते हुए जिस तरीके से 3 MLA नायब सैनी जी की सरकार से अपना समर्थन वापस लिया है, आज हरियाणा प्रदेश की सरकार जो मेजॉरिटी लेकर 2 महीने पहले आई थी उससे कम हुई। नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को या तो अपना बहुमत पेश करना चाहिए या इस्तीफा देना चाहिए। और वहीं दूसरी ओर पर हम आग्रह भी करेंगे और लिखित में भी मां महिम से आग्रह करेंगे कि इस गवर्नमेंट को दोबारा, क्योंकि 3 विधायकों ने लिखित तौर पर अपना इस्तीफा राज्यपाल को भेजा है, राज्यपाल भी सरकार को मेजॉरिटी प्रूव करने के डायरेक्शन दे, क्योंकि आज 2 विधायकों ने विधानसभा की मेंबरशिप से इस्तीफा दिया। 88 MLA आज हरियाणा विधानसभा के, 3 गवर्नमेंट से समर्थन वापस कर चुके, 2 वो विधायक थे जो उस समय गवर्नमेंट के पास उनके समर्थन में, 5 विधायकों का कम होना सरकार के समर्थन से, ये प्रूव कर देते हैं कि आज सिंपल मेजॉरिटी के आंकड़े से सरकार बाहर। मैं तो आज यही मांग करता हूं कि मुख्यमंत्री नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा देने का काम करे। मैं कल मुख्यमंत्री का बयान किसी चैनल पे देख रहा था जहां वो हंस हंस कर ये कह रहे थे कि ये आज वहां कुछ लेने गए हैं, यहां कुछ
लेके 4.5 साल बैठे थे, इसके बारे में भी वो बताने का काम। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा, हम जब तक सरकार के साथ कभी इस तरह के हालात नहीं मिले जहाँ मनोहर लाल जी और मुझे इस तरह की कोई घटनाक्रम देखने को मिली हो कि किसी ने समर्थन विड्रॉ किया। आज उन लोगों का कांग्रेस के साथ जाना ये दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से कमजोर हुई है। जो 11 कमल खिलाने की बात करते हैं वो आज कितने कमजोर हैं। और वही दूसरी ओर पर नेता विपक्ष ने कल तीनों को समर्थन के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। मैं उनको भी कहना चाहूंगा कि आज जो गणित बनता है उस गणित के अंदर जब अल्पसंख्यक में सरकार है, अगर कदम उठाया जाए कि इस सरकार को ड्यूरिंग इलेक्शंस घेरा जाए, तो हम इस पर पूरी तौर पर विचार करेंगे कि बाहर से इस सरकार को घेरने के लिए उनका समर्थन। अब ये कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी की जो आज सरकार सत्ता में है इसको घेरने के लिए वो कोई कदम उठाने का काम करेगा। जब तक विप की ताकत है और जब तक नंबर्स हमारे पास है, वोट तो सबको विप के आदेश अनुसार करना पड़ेगा। और इसका विवरण तो आपने मेरे ख्याल से जब इस सरकार का गठन हुआ था